आदि पुरुष को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है तो कहीं इस फिल्म के संवाद को बदलने की मांग की जा रही है तो कहीं फिल्म की भाषा शैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक्टर प्रभास स्टार फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में आ गई है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर जगह जगह बवाल मचा हुआ है। फिल्म के टीजर से शुरू हुआ विवाद रिलीज के बाद भी लगातार जारी है। पहले दिन फिल्म आदि पुरुष को देखने के लिए दर्शक पहुंचे, लेकिन फिल्म के डायलॉग से लोग बहुत इम्प्रेस नहीं हुए और फिल्म के डायलॉग को लेकर जमकर आलोचना करने लगे। वहीं अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी गई है। आदि पुरुष फिल्म के स्टार कास्ट, डायलॉग राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने तहरीर दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने मांग रखी है कि अगर नेपाल में आदि पुरुष को बैन किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी फिल्म को बैन करे। अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि आदि पुरुष फिल्म में सनातन धर्म का अपमान किया गया है। भगवान राम, हनुमान जी और सीता माता का गलत चित्रण और गलत डायलॉग दिखाकर अपमानित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म को बैन करने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रभास और कृति सेनन स्टार फिल्म आदि पुरुष का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तो लोगों ने प्रभास से लेकर कृति सेनन और लंकेश का किरदार निभाने वाले सैफ अली खान के किरदार की आलोचना की थी। आदि पुरुष फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें राम, सीता, हनुमान और रावण के किरदार और लुक पर कई संगठनों ने ऐतराज जताया था। वहीं आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग को लेकर फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग को बदलने के लिए हामी भर दी है। फिलहाल आदि पुरुष फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।